सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आधार पर मकान निर्माण करने से घर की मजबूती व सुंदरता दिखती है। नगर निगम ने नक्शा के आधार पर मकान बनाने की दिशा में पूर्व में ही गाइडलाइन जारी किया है ताकि सुदृढ़ कॉलोनियों में स्मार्ट घरों का निर्माण हो सके। यह बातें नगर निगम हजारीबाग के उप महापौर राजकुमार लाल ने डिजाइन एक्स के विधिवत उद्घाटन समारोह के अवसर पर कहा। उप महापौर श्री लाल ने फीता काटकर डिजाइन एक्स का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि डिजाइन एक्स के तहत लोगों को मनपसंद घर बनाने के लिए बिल्डिंग प्लानर के द्वारा सुंदर नक्शा के साथ साथ घर मकान बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आधुनिक तरीके के समावेश से किफायती मूल्य में नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि लोगों को फायदा हो। उप महापौर श्री लाल ने आगे कहा कि नगर निगम क्षेत्र में अब नक्शा के बगैर मकान निर्माण नहीं हो रहा है। लोगों को चाहिए भी कि नक्शा के आधार पर मकान या घर का निर्माण कराएं। उन्होंने कहा कि घर मकान रोज रोज नहीं बनता है। मौके पर प्रोप्राइटर गुड्डू बक्सी ने कहा कि घर मकान व फ्लैट निर्माण के साथ साथ साज सज्जा के लिए भी उच्च कोटि के इंजीनियर एवं कारपेंटर व अन्य कारीगर डिजाइन एक्स में सुगमतापूर्वक लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग से आशीष कृष्णन की रिपोर्ट। इसमें मतलब हम लोग ये ऑफिस जो है वो आर्किटेक्चरल ऑफिस है जिसमें घर का नक्शा वगैरह बनाया जाता है और इंटीरियर डेकोरेशन इसके अंदर हम लोग करते हैं और डेकोरेशन के साथ साथ डिज़ाइन प्लस डेकोरेशन दोनों इसके अंदर हम लोग मतलब कंप्लीट करते हैं और कंस्ट्रक्शन भी हम लोगों के अंडर ही है। कंस्ट्रक्शन भी हम लोग करवाते हैं और उसका टोटली स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी हम लोग रेडी करते हैं। घर जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं वो एज़ पर वास्तु के हिसाब से टोटली डिज़ाइन करके देते हैं और इंटीरियर भी हम लोग वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं।